तो हे गाइस, कैसे हो गए, बड़े हो गए? तो मैं हूँ एनिमल लवर फरहान और आप लोग देख रहे हो नेचर एनसाइक्लोपीडिया यूट्यूब चैनल। हाँ तो गाइस, आज हम लोग बिग कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर यानी टाइगर के बारे में जानने वाले हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। हाँ तो गाइस, यह बहुत से हैबिटेट्स में रहा करते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सवाना और मैंग्रोव स्वैम्प्स। एक चीज़ बड़े दुख की है कि अब टाइगर के रहने की 93% ज़मीन ख़त्म हो गई है, जो कि पुराने ज़माने में बहुत सी हुआ करती थी। यह जानवर ज़्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं और डियर्स, एंटीलोप्स, बफेलो और वाइल्ड बोर्स का शिकार करते हैं। यह एक दिन में 12 किलो तक खाना खा सकते हैं और अगर नहीं तो कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं खाते हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि इनकी आबादी इंडेंजर्ड है और विलुप्त होती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार जो 2015 में हुआ था, उसके हिसाब से 3062 टाइगर ही बचे हैं। इनकी सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया में ही है। 2006 से इनकी आबादी इंडिया में 3 गुनी तक बढ़ गई है। इन धारीदार जानवरों की 8 सब स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से 3 तो विलुप्त ही हो गई हैं, बाकी 5 इंडेंजर्ड हैं। और उन सब स्पीशीज़ के नाम हैं, 1 बंगाल टाइगर, 2 इंडो चाइनीज टाइगर, 3 साउथ चाइना टाइगर, 4 अमूर टाइगर जिसे साइबेरियन टाइगर भी कहते हैं, और 5 सुमात्रन टाइगर। इनमें बंगाल टाइगर्स सबसे बड़े होते हैं। यह बिग कैट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर होते हैं। मेल्स 90 से 310 किलो के होते हैं, फीमेल्स 65 से 180 किलो तक की होती हैं। इनकी हाइट 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह 20 से 26 साल तक जीते हैं। यह जानवर 46 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पकड़ सकते हैं। यह इकलौती ऐसी बड़ी बिल्ली है जो तैर सकती हैं। हाँ गाइस, यह बहुत मस्कुलर स्विमर्स होते हैं। इनकी धारियाँ और रंग इन्हें माहौल में कैमोफ्लेज करने में मदद करता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत कमाल की होती है और कई किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को सूंघ लेती है। गाइस, मैंने आप लोगों को स्पीशीज वाले पार्ट में बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर सब स्पीशीज बंगाल टाइगर की होती है, मगर दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर जो था वो साइबेरियन टाइगर की सब स्पीशीज से बिलोंग करता था, जो 389 किलो का था, और उसी की फोटोज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। हाँ तो गाइज, इन धारीदार जानवरों के पास 2 मेन हथियार होते हैं, इनके दांत और इनके नाखून। इनके नाखून जो 10 सेंटीमीटर तक के होते हैं और मांस को बहुत आसानी से फाड़ सकते हैं। इनके दांत जो 3 इंच तक के होते हैं, ये बहुत आराम से किसी का भी गला घुटने के लिए काफ़ी है। और तो और, ये अपने एक पंजे के वार से इंसान की जान ले सकता है। हाँ तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि इनकी आबादी पहले से ही इंडेंजर्ड है, उसके बाद जंगल की कटाई, हंटिंग इनकी स्किन के लिए जिनसे कारपेट वगैरह बनते हैं, इनसे इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है। जंगलों में शिकारी तरह तरह के ट्रैप्स लगा देते हैं जिनसे इनके टांगों में ज़ख्म हो जाते हैं और उनके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी ही बदल जाती है। फिर यह शिकार नहीं कर पाते जिनसे इनकी मौत हो जाती है। इनकी तादाद भी हिस्टोरिक पीरियड से 97% तक कम हो गई है। हाँ गाइस, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें जो ऑरेंज हिस्सा है उसमें हिस्टोरिक पीरियड में इनकी काफ़ी आबादी थी, मगर अब वह उन लाल हिस्सों में सुकड़ कर रह गई थी। और उसके बाद 2020 तक तो उनकी आबादी लगभग ख़त्म ही हो गई है। हाँ तो गाइस, आज के लिए नेचर एनसाइक्लोपीडिया में इतना ही। आज हम लोगों ने जाना टाइगर, जो बिग कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है, उसके बारे में। और आज का फेयरवेल टाइगर फैक्ट ये है कि इनके बच्चे शिकार करना सीखना 6 महीने की उम्र से शुरू कर देते हैं और अपनी माँ के साथ 18 महीने तक रहते हैं और फिर अपना इलाका बनाने के लिए चले जाते हैं। हाँ तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।